हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं हमें खुद नहीं पता है। अबे साले, बस जा रहे हैं थोड़ा सा रावशगंज और ये थोड़ी सी गाड़ी जो है वो काफी गंदी हो गई है, तो इसको धुलवाएंगे और बाकी देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। कुछ प्लानिंग तो है नहीं, मतलब ये देखो कितना डस्ट बैठा है गाड़ी में। तो आज जो है क्या है ना, अंदर बाहर सारा वो करवाना है, धुलवाना है। देखो पूरा एकदम पूरा मतलब गाड़ी डस्ट से भरी हुई है। इधर भी है। वो क्या है ना, घूमने गए थे सब लोग मैहर, तो मतलब बच्चे होते हैं ना एकदम पूरा गर्दा गर्दा भर दिए एकदम गाड़ी में। तो अरे इधर भी रखा है देखो, आज के बाद भाई साफ कराएंगे और गंदा बिल्कुल नहीं करना है। एक महीने तक कम से कम गाड़ी जो है एकदम साफ रहे अंदर की, बाकी जो है बाहर का तो ठीक है, लेकिन अंदर जो गंदी हो जाती है ना भाई, एकदम दिमाग डिस्टर्ब कर देता है। इतना ज्यादा डस्ट लग रहा है ना, मुझे खुद इरिटेशन हो रहा है बैठने में। बताओ ये देखो कितना सारा, इधर देखो कितना डस्ट जमा हुआ है। देखो क्या हो गया ना कि गाड़ी जो है अभी आधे घंटे बाद धुली जाएगी, तब तक हम लोगों का मार्केट में एक काम है तो वो पहले कर लेते हैं। आ जाओ तब तक, उधर से आते हैं। हाँ आधे घंटे में आ जाएंगे एकदम पक्का। चलो खा लेने दो भाई, खाना जरूरी है। चलो तो एक काम मिल गया, अब थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो जो है शॉपिंग कर लेते हैं। अभी एक पॉइंट लेंगे यार। अच्छा चलो आज शॉपिंग करते हैं थोड़ा सा। बताइए आपको फिर भी ले लेना, तू क्या लेना है बता। पैसा नहीं है हमारे पास, आप है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेना क्या है ये बता। वो तो चलिए वहीं पे चट्टी। हेलो देखते हैं लेते क्या है, कोई अच्छा सा अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे, क्योंकि भाई जल्दी मिल भी नहीं करता है यार। पेड़ जो है वो सूख गए हैं यार भाई, 2,08,000 रुपए लगा है, तो क्वालिटी भी ना है तो फिर बेकार है ना। आईफोन की सब बात कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी क्या गजब की, देखिए क्या गजब की दे रही है, तो वही बता रहा हूँ। ये फोन मेरा 2,08,000 रुपए का पड़ा है। ये फोन है 1,90,000 का, प्लस जो है मेरा 18,000 रुपए जो वो है वो इंश्योरेंस में लगाया, मैंने 1 साल का इंश्योरेंस भी करवाया है। तो फिर ये शायद ब्लॉग में बताए नहीं थे हम कि मेरा फोन कितने का पड़ा है, रेट नहीं बताया। चलो पता चल गया 2,08,000 रुपए का है, अभी देख रहे हो गाड़ी कितनी गंदी है, धुलवा लेंगे उसके बाद देखना कितना मस्त हो जाएगा। कभी अच्छा अंदर से धुली गई कि नहीं एक बार, मतलब धुली है कि नहीं? अभी कभी नहीं धुली है एक बार? नहीं धुलवाए तो नहीं एक बार। अच्छा एक बार, जब से गाड़ी लिया है अंदर से बस एक बार धुलवाया गया है, और इस बार जो है दोबारा धुलवाते हैं अंदर से, उसके बाद दिखाते हैं आपको। पॉलिश वॉलिश मार दे रहा है तो मस्त चमकने लगेगी गाड़ी आईफोन की तरह। उठाएगा ऊपर वाला भी दिखाएंगे। आज तो हम लोग छुट्टी पे थे ना, आज काम वाम नहीं है, वीडियो नहीं बनाना है, आज तो सोचे घूम लेते हैं थोड़ा सा। मूवी, अरे यार ये मूवी बताओ, हम लोग दृश्यम का वेट कर रहे हैं अभी मूवी, वो वाली दृश्यम वाली मूवी नहीं लगी यार, टाइम से कोई मूवी ही नहीं लगती यार। बताओ वो थैंक गॉड निकल गया, दृश्यम 2 निकल गया और एक दो मूवी और भी निकल गई, लेकिन यहाँ पे जो है अभी तक लगी नहीं मूवी। आप आज गाड़ी चलाने वाले थे ना? हाँ जाते समय। चलो चलाते हैं थोड़ा थोड़ा सीखते हैं थोड़ा थोड़ा। आज गाड़ी चलाएंगे भी, चलाने का भी एक अलग ही मजा है भाई, मजा आ जाता है चलाने में। ये देखो भैया आ गए हम लोग बड़ौली चौराहा रावशगंज। क्या है ना कि बहुत लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से हूँ, तो भाई यहीं से हूँ, रावशगंज सोनभद्र। देख लो हमेशा लोकेशन तो दिखाता रहता हूँ, देख लिए। और भाई क्या हाल है, बढ़िया? सब बढ़िया भैया। चलिए थोड़ा सा शॉपिंग करा दीजिए हम लोगों को, चलिए बैठिए। अब गाइस सौरभ भाई आ गए हैं, देखते हैं चलते हैं शॉपिंग करते हैं, कहाँ क्या करते हैं देखते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, चलते हैं शॉप में देखते हैं क्या खरीदते हैं। क्या ले पहले क्या देखें? बिल्लू टी शर्ट सही है, एक नंबर। बताओ गाइस कैसा है, आप सब कमेंट करोगे तभी लूंगा, वैसे खैर ले लूंगा, लेकिन अगर आप सब मना कर दोगे तो आके वापस कर दूंगा, उधर दिखा दो वापस करूंगा आके, अगर ऑडियंस का कमेंट आया वापस करेंगे ना एकदम डन है।
चलो बढ़िया मैं खैर। देखते हैं ये वाला क्या लगता है, इससे पहन सकते हैं ना? एकदम ठीक आ रहा है। कैसा लग रहा है सौरभ भाई? बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पंक पीछे खींचा जाएगा तो अंदर आई कंधा से सेट भाई से तो गाइस दो कपड़ा भी डन किए हैं, अभी कुछ और देखते हैं, पैंट देखते हैं या फिर हुडी देखते हैं। आई ऊपर वाला ब्लैक वाला कौन पैंट था ये? हां 32 है दिखाओ गुरु। तो थोड़ा सा 34 नंबर लेते हैं, 34 ट्राई कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमने कर लिया है यहाँ पे शॉपिंग, अभी देखते हैं अगर कहीं और इसको जैकेट चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, फिर मिलेंगे। चलो चलो भाई। तो गाइस शॉपिंग हो चुकी है, लास्ट में आते आते सिस्टर को भी पता चल गया कि हम शॉपिंग करने निकले हैं, उसके लिए भी लेना पड़ गया एक टी शर्ट। भाई ये देखो, ये एक टी शर्ट लिया, मुझे तो काफी मस्त लग रहा है। अब कमेंट में करके बताना कि कपड़ा मैंने कैसा लिया। गाड़ी धुलवाने हैं, बस अगर खाली रहेगा तो तुरंत धुलवाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, घर चले जाएंगे दूसरे दिन धुलवा लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं, जानते हो बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती और जिंदगी भी जो है पेट्रोल से चलती है। कपड़ा सारा निकाल लो गाइस, अब हम लोगों की गाड़ी जो है धुलने जा रही है। फाइनली धुल के दिखाते हैं आपको कैसी लगती है, नई नवेली दुल्हन होती ना वैसी लगेगी। गाइस देख रहे हो गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, एकदम देखो कितना डस्ट बैठ चुका है एकदम। शाम हो गया है, 4 बज गया है। तो यार गाइस फाइनली देखो अब जाके गाड़ी हमारी धुल गई है, अब जो है गाड़ी में पॉलिश हो रहा है और टाइम जो हो रहा है, टाइम देख रहे हो 5:27 जो हो गया है, लगता है घर जाने जाने में 6 बज जाएगा। यार काफ़ी रात हो गई, नहीं आप तो वो दिखाता कि कितनी चमक रही है गाड़ी। अब भाई खैर मारा जा रहा है पॉलिश। पैसा बर्बाद पहन चोर। रात हो जाएगा घर जाते जाते, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी हम ऐसा निकलते हैं अगर बाहर में तो रात होना तो तय है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ब्लॉग को मैं अभी एंड करूँ, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना शेयर करना। क्या करूँ कुछ था नहीं यार दिखाने के लिए, तो शॉपिंग कर लिए गाड़ी धुलवा दी, कोई ना कोई काम होना चाहिए ना। ठीक है गाड़ी तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।